लाल रंग का जोड़ा दिलाया था मुझे। आज देखो मैं ये सफेद कपड़ों में बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं कभी उनकी बात ही नहीं मानती थी। उस दिन भी नहीं मानी थी ना, मुझसे कह रहे थे कि मीटिंग पे मत जाओ, लुपना बाजी के साथ मीटिंग थी ना, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। क्या हो जाता अगर मैं नहीं आती, तुम लोगों को वो मीटिंग भी स्केच में कर देते। फारिस भी यही कहते थे, नहीं मानी मैंने उनकी बात, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अगर मैं उनके साथ होती तो वो लड़के उस पे हमला नहीं करते ना, वो अकेले थे इसलिए उन्होंने हमला क्यों। आपको नहीं पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि उन लड़कों को क्या मिला, क्या मिला मेरे शौहर को मार के, मेरे बेटे के सर पे से उसके बाप का साया छीन के क्या मिला। हर वक्त मुझसे पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं, उससे सफेद कपड़े क्यों पहने हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसे देने को। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल। अनायजा, I'm so sorry, मुझे ना आजकल कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलती हूँ। It's okay, we can understand. हमें चलना चाहिए। जी हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। Let's go. फिरा, ये क्या हो गया मुझसे यार? इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता था कि कोई। हरिश, तुमने जानबूझ के थोड़ी किया ये। तुम्हें क्या पता था कि आफी और डैनी तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? उसके मैं पीछे देखते हुए तो मुझे पता था ना कि वो जिंदा है, उसके उसके अंदर जान थी। क्या हुआ, अब तबीयत कैसी है इसकी? देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें कितना चाहता है, हम वहाँ परेशान होती हो तुम। असल में मैं इसका ख्याल था रखती हूँ ना, इसीलिए इसको मजबूरन मुझे चाहना पड़ता है। चलो ऐसे ही सही, बस तुम लोग खुश रहो, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट, है ना हरिश? हरिश, भाभी कुछ पूछ रही है। हाँ तो बोल दो यार। हाँ। देखा कितना अच्छा लड़का हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। चाय पियोगी? हाँ हाँ भाभी, प्लीज लाते। अभी लाते हैं।